हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव फ्रॉम राजटेक। आज हम देखेंगे विंडोज सर्वर 2019 में कैसे वेब सर्वर और IIS सर्वर क्रिएट करना है। तो अगर आपको वेब सर्वर चाहिए वो भी विंडोज सर्वर 2019 में तो कैसे करें, तो चलिए स्टार्ट करते। पहले आपको विंडोज सर्वर 2019 ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। ये विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर एडिशन है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट मेनू में क्लिक कर रहा हूँ। करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, सर्वर मैनेजर। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया, दो तीन वीडियो में दिखाया कैसे DNS क्रिएट करना है, DHCP क्रिएट करना है। एक्टिव डायरेक्टरी कंप्लीट हो गया, वो सर्विस इधर चल रहा है, ठीक है। DHCP चल रहा है, DNS चल रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी चल रहा है। आज हम करेंगे IIS मतलब वेब सर्वर। तो क्या करना होगा आपको, सिंपली मैनेज में जाना होगा, उसके बाद एड रोल एंड फीचर। देखिए एक विजार्ड ओपन हो गया, आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। उसके बाद रोल ऑन रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन नेक्स्ट। उसके बाद आपका सर्वर का नेम आ रहा है, IP एड्रेस नेक्स्ट। इधर क्या है, इधर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वेब सर्वर, ऐड फीचर नेक्स्ट करना है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट। तो ये जो बाय डिफॉल्ट ले रहा है इसको नेक्स्ट कर दीजिए, इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर से देखेंगे। तो देखिए इंस्टॉलेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। इंस्टॉलेशन स्टार्टेड ऑन सर्वर 1.rastec.in। तो देखिए ऊपर आ रहा है इंस्टॉलेशन सक्सेस ऑन सर्वर 1.rastec.in। आपको सिंपली क्लोज कर देना है और देखिए बाएं तरफ IIS आ गया, ठीक है। तो IIS का एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखिए IIS का बेसिक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया और अभी भी IIS काम करने लगेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो IIS इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, मैं सिंपली इसका IP एड्रेस दे रहा हूँ ब्राउजर में 192.168.100.1। तो देखता हूँ, देखिए वेब सर्वर स्टार्ट हो गया। तो देखिए चलिए मैं एक क्लाइंट सिस्टम पे जाता हूँ और देख उधर से ये वेबसाइट एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते। तो देखिए सॉरी, तो देखिए क्लाइंट सिस्टम पे आ गया जिसमें विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है और सेम नेटवर्क में है। तो इसमें हम लोग वेब सर्वर एक्सेस करेंगे जो वेब सर्वर अभी इंस्टॉल किया है। तो मैंने इधर इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्लिक किया, तो मैं सिंपली इसमें IP एड्रेस टाइप कर देता हूँ 100.1। तो देखिए 100.1 टाइप करने के बाद वेबसाइट जो डिफॉल्ट वेबसाइट है वो ओपन हो गया। आपको वेबसाइट कैसे चेंज करना है वो भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखिए आज हमने देखा वेब IIS और वेब सर्वर कैसे क्रिएट करना है विंडोज सर्वर 2019 में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे वेब पेज चेंज करना है। ये तो बाय डिफॉल्ट वेब पेज, कहाँ पे जाकर आपको वेब पेज चेंज करना है, कैसे ये जो अभी नाम से हो रहा है इसको कैसे IP से हो रहा है इसको कैसे नाम से करना। मान लीजिए मैं इधर टाइप कर देता हूँ rastec.in और ये वेबसाइट ओपन हो जाए, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। आज इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।